हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एचटीएमएल के आईएमजी टैग के बारे में देखेंगे कि आईएमजी का जो टैग है वो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आईएमजी का टैग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने वेबसाइट के अंदर कोई इमेज वगैरह लगानी होती है। इमेज लगाने के लिए हम आईएमजी टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ, ताकि आपको थोड़ा ईजिली समझ में आ जाए। तो अब हम अपने सबलाइम टैग्स में हैं और यहाँ पर हम इमेज का जितना भी टैग यूज़ करेंगे उसका रिजल्ट हम यहाँ पर रन करके देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको वो फोल्डर दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने इमेज रखी हुई है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो इमेज रखी हुई है, जिस फोल्डर का नेम इमेज है। उसके अलावा ये जो इंडेक्स के नेम से डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनी है वो एचटीएमएल की डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनी हुई है। तो चलिए अब हम अपने कोड को शुरू करते हैं। आईएमजी के साथ एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ आता है सोर्स का। सोर्स में हम अपने जो इमेज है उसका यूआरएल लिखते हैं, मींस के हमारी जो इमेज है वो कहाँ रखी हुई है। तो सबसे पहले देखिए, जो मेरी इमेज है उसके हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद जो हमारी जो पिक्चर है उसका नेम क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे टाइप है, टाइप आप लाजमी देखें अपनी पिक्चर्स की, क्योंकि वो कभी जेपीजी होता है कभी पीएनजी होता है, तो आप ये लाजमी देखें। उसके बाद ही आप अपने सोर्स में वो लगाइएगा। यहाँ पे जो है मेरी जो पिक्चर है उसका नेम है photo.jpg। अब उसके साथ ही मैं एक और टैग का यूज़ करती हूँ, वो है विद। मैं दे देती हूँ 300 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव किया। सेव करने के बाद हम गूगल पर रन करके देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी इमेज है वो लग चुकी है। तो अब आप चाहें तो इमेज के हिसाब से उसकी हाइट भी दे सकते हैं, जैसे मैं अभी 100 दे रही हूँ। तो देखिए, जो इसकी हाइट है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो आप जब भी अपनी वेबसाइट में इमेज वगैरह यूज़ करें तो उसकी हाइट आप अपने हिसाब से जो है वो लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो मैं ये हाइट है इसको रिमूव कर रही हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर अल्टरनेट जो है उसका एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ। अल्टरनेट के एट्रीब्यूट से ये होगा कि अगर आपकी जो ये इमेज है वो जो हमारे फोल्डर में से रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे जो है इमेज तो नहीं लेकिन इमेज का जो नेम होगा जो आप यहाँ पे अल्टरनेट एट्रीब्यूट में लिखेंगे वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ photo.jpg। कंट्रोल ऐसे सेव किया। उससे फ़िलहाल अभी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है अल्टरनेट के एट्रीब्यूट से, क्योंकि अभी सिर्फ इसकी हाइट ही कम हुई है, क्योंकि जो मैंने हाइट है इसके रिमूव कर दी है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो हमारा एक फोल्डर है जी, इसमें से अगर मैं ये वाली जो इमेज है उसको रिमूव कर दूँगी, इसके यहाँ से कट करके मैं यहाँ पर कर देती हूँ मूव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इमेज नहीं है। तो उसके बाद मैं इसे गूगल पर रन करके दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो हमारी इमेज उस फोल्डर में से रिमूव हो गई है, तो उस जो नेम हमने अपने अल्टरनेट में जो लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में इमेज वगैरह का यूज़ इजीली कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।